हेलो माय प्रिटी पीपल, दिस इज मी विप्लवी। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो बाय द टाइटल आप लोगों ने पता लगा ही होगा कि आज के वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं। सो एज यू ऑल नो कि मैं गई थी स्टूडियो, मैंने वहां पे जाके व्लॉग बनाया था। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर पार्ट वन देख लेना इस वीडियो का, तभी आपको समझ आएगा। तो मैंने सोचा बहुत सारी चीजें मैंने वहां से ली थी, तो हो सकता है आप मुझसे कुछ लोग क्यूरियस हो ये जानने के लिए कि मैंने वहां से क्या क्या पिक किया। सो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ एक हॉल शेयर कर दिया जाए। सो अगर ये वीडियो आपके इंटरेस्ट का है और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स क्लिक जंप इनटू द वीडियो। तो आपको अच्छे से रिलेट कर पाएंगे कि कैसा क्या लग रहा है, दिख रहा है। सो जो फर्स्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो है दिस इज वेरी क्यूट ब्यूटीफुल रिप्ड पिंक कलर का टॉप। मतलब इट्स नॉट वेरी क्रॉप और इट्स नॉट वेरी लॉन्ग, ये आपको वेस्ट लाइन से थोड़ा नीचे आएगा। सो इट्स ओके ओके, मतलब हर कोई इसे पहन सकता है। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, हाईली स्ट्रेचेबल है ये। और इसका जो प्राइस है वो है 399, लेकिन ड्यूरिंग सेल आई बॉट दिस फॉर ओनली 199, एज यू कैन सी क्लियरली। उल्टा दिख रहा है क्योंकि मैं फ्रंट कैमरे से शूट करती हूँ। ओके, सो इसमें आपको 1/4 स्लीव्स, 1/4 हाफ स्लीव्स मिलती हैं इसमें आपको, और काफ़ी अच्छा है, पूरा बॉडी हगिंग टाइप टॉप है। और इसमें यहाँ पे कुछ किनारी दी गई है वाइट कलर की स्लीव्स पे, और यहाँ पे छोटा सा राउंड नेक है। क्वालिटी इज वेरी नाइस। इसमें साइज है एम, सो मैंने एम साइज लिया है। सो यार दिस इज इट, काफ़ी अच्छा लगा मुझे। तो वहाँ पे ना गर्ल्स सेक्शन में तो काफ़ी ज़्यादा खोजबीन करनी पड़ती है, लेकिन बॉयज़ सेक्शन काफ़ी ही ज़्यादा मतलब बोलते हैं ना ऑर्गेनाइज्ड और एकदम सिस्टमैटिक तरीके से सब चीज़ें रखी हैं। तो मैं सेक्शन से हमने उठाई ये ब्यूटीफुल सी स्वेटर, जिसे पहन के मुझे बिल्कुल ही 90s की फील आ रही है। लाइक मैंने प्यार किया कि हीरोइन लग रही हूँ मैं खुद को, ऐसा लग रहा है मुझे अब प्रेम लग रही हूँ मैं सलमान खान। मतलब वो ऐसी सी ढीली सी स्वेटर पहनता था ना। एक्चुअली ये मेरे फ्रेंड ने ली है पर मुझे इतनी अच्छी लगी, मैंने उनसे बोला था कि अभी तुम्हारे कपड़े तुम्हें नहीं मिलेंगे, पहले हॉल बनाऊंगी उसके बाद तुम्हें मिलेंगे। बहुत ही ज़्यादा कोजी सी फीलिंग आ रही है, मुझे लग रहा है मुझे ही खरीद लेनी चाहिए थी ये। दिस इज इन द साइज लार्ज, और पर ये मुझे बहुत ही मतलब ऐसी बता रही हूँ ना, 90s वाली वाइब दे रही है पूरी। का पैटर्न इज वेरी नाइस, आपको दिख जाएगा वीडियो में। और इस पर इस तरह की कुछ लाइनें हो गई हैं, ये बहुत ही ना अच्छा सा मतलब एकदम मैरून भी नहीं है और एकदम ब्राउन भी नहीं है, कुछ बीच का सा कॉम्बिनेशन वाला शेड है। बहुत ही ज़्यादा प्रिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा। और ऐसे ढीले ढीले कपड़े तो मुझे पता नहीं क्यों अब इतना ज़्यादा मन करता है ना, क्योंकि मतलब यू नो गाइज, मतलब मैंने फितूर चढ़ा हुआ है अभी कोरियन फैशन का, सो आई लव दिस पर्टिकुलरली। और ये हमको ली है, मतलब इसमें लाइक 1% भी आप कोई कमी नहीं निकाल सकते। मुझे नहीं पता ये क्यों सेल में थी और ये क्यों मुझे मिली है सिर्फ 299 rupees में, हमने सिर्फ 300 bucks पे किए इसके लिए। एंड दिस इज सो सो वॉर्म एंड गॉर्जियस, मतलब इट लुक गॉर्जियस ऑन मी। सो यार ओके जी, तो अभी तक अपन ने इस वीडियो में देखी हैं 200 और 300 की चीज़ें, पर अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ एक टी शर्ट जो मैंने ली है इन जस्ट ₹99, लाइक 100 rupees भी नहीं, एक रुपया कम है। ओह माय गॉड, दिस इज़ वेरी प्रिटी वाइट टी, और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आई है। इसका जो फैब्रिक है बहुत ही अच्छा है, मुझे कॉटन टी शर्ट ही लग रही है ये। मैंने इसमें लिया है साइज़ XL, एक्चुअली वो साइज़ सिर्फ यही अवेलेबल था वहाँ पे, पर मैंने सोचा इसको मैं एक्स्ट्रा लार्ज, वैसे एक्स्ट्रा लार्ज ही है पर मैं इसको मतलब वो बैगी फिट और लूज फिट बना के पहन सकती हूँ। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही है, काफ़ी अच्छी। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ना आपको इसमें एडजस्टेबल यहाँ पे ऐसी है ना वो दे रखी हैं स्ट्रिंग्स, तो ये आपके वेस्ट पे एडजस्ट हो जाएगी पूरा ऐसे ना, आप इसे सुगेड़ के और यहाँ पे गांठ नॉट बना सकते हैं। और इस पर काफ़ी अच्छा सा कोट लिखा हुआ है स्प्रेड अराउंड हैप्पीनेस, मुझे बहुत अच्छी लगी, आई लव दिस। सो यार मैंने ले ली, मतलब इस टी शर्ट को देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है, ऑनलाइन भी अच्छा मिलता है तो ऑफलाइन भी काफ़ी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं सेल में। सो इसमें 99 rupees में कोई ख़राबी नहीं है। और अगर आप स्टूडियो जाएँ तो मेक श्योर कि आप चेकआउट करें वो 99 वाला सेक्शन, अच्छे से देखें उसे, क्योंकि मतलब थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम लेके जाना पूरा अच्छे से, भगदड़ में मत जाना, पर आप काफ़ी कुछ अच्छा अपने लिए ले सकते हैं। हाँ पर एक चीज़ मैंने सोच रखा है अब कि मैं ऐसी कुछ चीज़ें नहीं उठाया करूँगी कि चलो 100 rupees का है तो बस उठा ली फिजूल की, जो मेरे काम नहीं आ रही है, एक बार पहनी और वार्डरोब में रखी हुई है, तो पर ये मेरे काम आई। हम जो व्हाइट टी शर्ट हमेशा से चाहिए थी। सो या सो नेक्स्ट अप आई हैव समथिंग टू शेयर विथ यू विच इज अगेन इन द एक्स्ट्रा लार्ज साइज, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज साइज, क्योंकि डबल XL ले लिया मैंने। सो ta-da! Isn't it
प्रिटी, काफ़ी सुंदर से इसमें ना पिंक और वाइट कलर के फूल बन रहे हैं। मुझे बहुत अच्छी लगी टी शर्ट। सो दिस रिटेल्स फॉर 300 रुपीज़, पर इसकी क्वालिटी मतलब ऐसा कोई ख्याल नहीं आता कि क्वालिटी कैसी होगी नहीं होगी, क्योंकि इसकी क्वालिटी एकदम ही बॉम है। मतलब थम्स अप, अ बिग 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 थम्स अप। बहुत ही ज़्यादा अच्छी प्रीमियम क्वालिटी लगी मुझे इस टी शर्ट की, पता नहीं क्यों। और इतना अच्छा कॉटन का कपड़ा है ना इसका, मतलब समर्स के लिए तो मतलब बोलते हैं ना जन्नत है ये, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। मुझे काफ़ी अच्छी लगी, इसलिए मैंने डबल एक्सल साइज ले लिया, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज। बहुत ज़्यादा बैगी फिट लेके घूमूंगी मैं गर्मियों में, वैसे भी जहाँ से हवा लग जाए ना वहाँ से अच्छा। सो या आई लव माई शॉपिंग, और मुझे ये सबसे मतलब मेरा दी मोस्ट फेवरेट पीस यही टी शर्ट है। सो या ओके, तो जब भी आप जूडियो जाओगे ना, तो वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आपको सब चीज़ें सेल में मिलें, बहुत सारी चीज़ें सेल में नहीं होती हैं, तो उनके प्राइजेस जो नॉर्मल रेंज होती है ना उतनी मिलेंगे, चाहे ऑनलाइन ले लो चाहे ऑफलाइन। लाइक जीन्स आपको 700, 800, 900 रुपये की मिल जाएंगी, और स्वेटर्स और हुडीज़ वो भी आपको इतने ही प्राइजेस में मिल जाएंगी। मतलब आप 1000 तक की चीज़ भी ले सकते हैं, 1500 तक की चीज़ भी ले सकते हैं जो सेल में नहीं है। और अगर आपको सिर्फ सेल का ही आइटम लेना है, तो मैंने उनके स्टाफ से पूछा था, और वो लोग जिन्होंने व्लॉग नहीं देखा उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जूडियो में से 2 ही बार आती है, अभी 1 जनवरी में चल रही है, तो अभी कुछ दिन बचेंगे ये वीडियो अपलोड होने के बाद, तो आप डेफिनेटली जाके जो आपको पसंद है वो आप ग्रैब कर सकते हैं। और 1 अगस्त में आती है, सो अगस्त तक का वेट करना है तो ठीक है, वरना मतलब ऐसी चीज़ें मिस हो जाती है लाइक 300 रुपये में। ओ माई गॉड, मतलब क्या ही बोलूँ इसके लिए। ओके, जो नेक्स्ट चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है दिस वेरी चार्मिंग सा टॉप। मैंने इसलिए बोला क्योंकि ये लड़कों का है, ये मेरे दोस्त ने लिया है। चलो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसमें कुछ ऐसा ना पैटर्न है, आप देख लीजिए कैसा सा पैटर्न है। उसका साइज है M, क्योंकि वो बहुत ही सूखा सा पतला सा है। ये मेरे को भी बहुत अच्छी लग रही थी। इसका कलर मतलब बहुत ही सुंदर है, टील ब्लू कलर है। इसमें आपको स्लीव्स मिल जाती हैं, इसकी क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, बहुत स्ट्रेचेबल है। अभी ऐसा नहीं कि सिर्फ विंटर स्टफ है, माइल्ड विंटर्स में सिर्फ ये डाल सकते हो, लेयर अप कर सकते हो शाम को या सुबह, और गर्मियों में भी डाल सकते हो, पर नॉट इन एक्सट्रीम समर सीजन, लाइक 49-48 पे नहीं डाल सकते बाबा, उससे पहले ही डाल सकते हो, अप टू 40 डिग्रीज। मैंने ज़्यादा कुछ गहराई में ज्ञान दे दिया ना, एनी वेज पर काफ़ी अच्छी है। ओके, तो इसका प्राइस इज़ ₹199 इन सेल, मुझे नहीं पता क्यों, और इसका जो MRP है वो है 600 रुपीज़। तो इट इज़ अ स्टील डील फॉर हिम, बहुत ही अच्छी चीज़ उसने उठा ली और मुझे ही बहुत अच्छी लगी, मेरे ऊपर भी, तो मेरा कभी मन किया तो मैं ये चुरा के पहन लूँगी। सोया तो जो नेक्स्ट चीज़ है उसके पीछे भी एक कहानी है, मेरे और मेरे दोस्त की मतलब लड़ाई तो नहीं बोल सकते, पर हाँ उसने खुशी खुशी मुझे दे दिया, वरना मैं लड़ लेती उसको एक स्वेटर पसंद आई थी जो कि मेरी एक फ्रेंड ने ली है, मतलब मैं दो दोस्तों के साथ ली थी, अपने ब्लॉग में देखा होगा, इनकेस नहीं देखा है तो देख लो, मैं कितनी बार बोलूँ। सो एक फ्रेंड ने अपना दिल बड़ा करके मुझे बोला कि तू ले ले ये, मतलब तू पहन ले, जब मेरा मन करेगा तब मैं पहन लूँगा। मैंने बोला ओके, मुझे पता नहीं क्यों मेन सेक्शन में इतनी ज़्यादा चीज़ें पसंद आ रही थी, और आपको मैं यहाँ पे क्लिप भी शेयर कर दूंगी कि इसको तो मतलब देखते ही लिटरली मेरी आंखें बाहर आ गई थी, ऐसे उल्लू की तरह जो भी है। खैर, सो टाटा, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वेरी ब्यूटीफुल स्वेटर फ्रॉम द मैन सेक्शन इन द शेड डस्टी पिंक। आई लव दिस, मतलब इट हैज़ माई हार्ट। ये सेकेंड फेवरेट, सेकेंड भी नहीं मतलब इक्वली, बहुत इक्वली फेवरेट चीज़ें हैं वो एक पिंक टी शर्ट और ये मेरी, मतलब बहुत ही सुंदर। और मतलब प्राइस सुन के तो बहुत ही अच्छा लग गया था मुझे। दिस इज़ फॉर जस्ट ₹299, लिटरली लाइक 300 रुपीज़ में इतनी अच्छी स्वेटर, जिसमें एक मतलब इंच की कोई ख़राबी नहीं है, होगी भी तो मतलब ऐसी बेयर आई से दिखती नहीं है, तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर, काफ़ी हद तक वॉर्म, और पैटर्न देखो इसका, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, इतना ज़्यादा गॉर्जियस लग रही थी मुझे, बस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं ही ले लेती हूँ, ठीक है तेरे को कभी मन करेगा तो तू पहन लेना, आई लव दिस। तो मेरे पास ये अभी 2 हैं आपको दिखाने के लिए, तो एक में साइज़ है XL मेरे फ्रेंड का, और एक छोटा साइज़ नहीं था तो मैंने L ही ले लिया, जो मैंने साइज़ पहना हुआ है ना ये मुझे ऐसी ही फिट आती है। डू चेक दिस आउट, अगर आपके सिटी में जूडियो है और उसमें आपको ये लटकी हुई मिल जाए तो प्लीज़ ग्रैब दिस वन, बहुत ज़्यादा अच्छी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दिस लुक्स अमेजिंग। सो या सो एज आई सेड अर्लियर इन माई ब्लॉग, ये जूडियो में जो एथनिक सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है, एंड यू गेट वेरी वाइड रेंज और वैरायटी ऑफ कुर्ताज देयर, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत प्रिंट वाले, और मतलब जो थोड़े ऐसे होते हैं ना जो ड्रेस की तरह भी पहन लो और कुर्ते की भी तरह पहन लो, ऐसे खूबसूरत खूबसूरत से पीसीज हैं, वो दिन सेल और मतलब जो सेल के आइटम नहीं थे वो दोनों कैटेगरीज में, तो आप जाके देख सकते हैं। तो मैंने भी 2 कुर्ते वहाँ से पिक करे हैं, 1 फॉर माई सेल्फ एंड द अदर 1 इज़ फॉर माई एल्डर सिस्टर। सो मैं सबसे पहले वो दिखा देती हूँ जो मैंने मेरे लिए लिया है। सो हियर इट इज, टाटा।
ओह माय गॉड, लुक एट द प्रिंट गोइंग ऑन. दूर से ऐसा लगता है कि ये थ्रेड वर्क की डिटेलिंग की गई है, बट इट इज एक्चुअली द प्रिंट राइट हियर. और इसमें आपको मिलती है 3/4 स्लीव्स और ये छुटकू सा राउंड नेक. ओके, मतलब थोड़ा बोट नेक काइंड ऑफ है, राउंड भी नहीं है एग्जैक्टली पूरा. और मतलब ये है ए लाइन कुर्ता, बंद है नीचे से, बीच में इसमें पैटर्न्स है और स्ट्रिंग्स भी दी गई हैं दोनों तरफ. आप अपना वेस्ट सिंच कर सकते हो अगर चाहो तो, अदरवाइज इनको ऐसे भी लटकने दे सकते हो. बहुत ही ज़्यादा प्यारी लगती हैं, बहुत ही अडोरेबल सा लगता है, क्यूट लगता है. दिस रिटेल्स फॉर 699 rupees, बट आई बॉट दिस फॉर ओनली ₹299. लाइक इट इज़ अ स्टील डील. मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा. और जो इसका फैब्रिक है ना, वो बिल्कुल ऐसा है जैसे मिंत्रा से जो कुर्ते आते हैं ना, चाहे लिबास की बात कर लो किसी और की, जो प्योर कॉटन फैब्रिक होता है जिसका कुछ नहीं बिगड़ना. मुझे नहीं पता क्यों होलसेल में बनाते हैं, क्या फंडा है उनका, क्यों वो इतना चीप प्राइजेस में दे रहे हैं, अफोर्डेबल प्राइजेस में दे रहे हैं, बट दिस इज मतलब गो फॉर इट वाली चीज़ है ये. ओके, सो नेक्स्ट आई हैव समथिंग जो लिया है मैंने मेरी बड़ी बहन के लिए. मुझे पता नहीं क्यों ये कुर्ता देखते हुए उसी का शक्ल याद आई, तो मैंने सोचा ये ले लेते हैं उसके लिए. और दिस इज सच अ वाइब्रेंट कलर, जिसको मतलब बोलते हैं ना मेरी नज़र चली गई. और इतना सुंदर पीस है ना, मतलब उफ, मतलब ब्रेथ टेकिंग लगा मुझे ये पहनने के बाद. और वो तो कितनी प्यारी लगेगी इसमें, काफ़ी ज़्यादा सुंदर गॉर्जियस सा पीस है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट टडा, मेरा टडा रह गया. वेट, टडा, ओह माय गॉड, लुक एट दिस, सच अ प्रिटी कलर एंड सच अ प्रिटी प्रिंट ऑन इट. मतलब लुक एट दिस, इसमें तो ये है ना थ्रेडवर्क ही है, ये लग नहीं रहा, ये है ही थ्रेडवर्क, काफ़ी सुंदर है. और यहाँ पे पूरा इसे गले में ना डिटेलिंग दी गई है यहाँ तक, ठीक है. और यहाँ से ये कट हो जाता है. ये भी ए लाइन कुर्ता है, मतलब फ्रॉक काइंड ऑफ पैटर्न है इसका. काफ़ी सुंदर है, यहाँ पे साइड्स में इसमें डिटेलिंग दी गई है, प्रिंट दिया गया है और बीच में प्लेन छोड़ा है. इसकी स्लीव्स, मतलब इसकी स्लीव सबसे ज़्यादा सुंदर है, मतलब वही देख के मैं अट्रैक्ट हुई थी सबसे ज़्यादा. लुक एट दिस, हाउ ब्यूटीफुल दीज आर. हाफ में ऐसा है, फिर उसके बाद यहाँ पे प्रिंट दिया गया और यहाँ पे आपको वो भी दी गई है, क्या बोलते हैं इसे, इलास्टिक. या इसको जीन्स के साथ पेयर करेंगे तो कुछ और ही लगेगा, एथनिक बना के पहनेंगे तो कुछ और ही लगेगा. और मतलब सिर्फ इसको भी आप डाल के निकल सकते हो एंड यू आर गुड टू गो. ऐसा मतलब ये बताओ तो मल्टी टास्किंग काइंड ऑफ कुर्ता है. मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा इन जस्ट ₹300, तो मैं कैसे ही छोड़ देती इसे. इसका रिटेल प्राइस है 799, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे हाथ लग गया. तो एक्स्ट्रा साइज है, बहुत ज़्यादा पसंद आया. सो या, तो एक चीज़ मुझे आपके साथ ये शेयर करनी थी कि अभी ना मैंने अपने डाइट में कुछ इंक्लूड किया है और मैं उसको, मैंने 16th of Jan से वो है ना करना आई थिंक स्टार्ट कर दिया है. यस, एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं और मैं उसे पूरा 1.5 महीना करूँगी. उसके बाद मैं आपको बताऊँगी क्या हुआ क्या नहीं हुआ. मैंने ये मेरे ना पिम्पल्स जो निकलते रहते हैं इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंटली, और जो मेरे दाग धब्बे हैं शक्ल पर, मेरा स्किन ग्लो करे, उसके लिए मैंने ये चीज़ें इंक्लूड करी हैं. तो अगर ये मेरे लिए इफेक्टिव हुआ तो मैं डेफिनेटली आपके साथ रिव्यू शेयर करूँगी. द थिंग दैट आई पिक्ड अप फ्रॉम ज़ूडियो इज दिस लिप बाम एंड इट रिटेल्स फॉर ₹45 या ₹49. तो मैंने ले लिया इन द शेड कॉफ़ी. तो ओके, जो मुझे इसमें सबसे अच्छी चीज़ लगी ना वो ये थी कि इसकी जो एक्सपायरी है वो है 08/24. लाइक बहुत टाइम है अभी इसको एक्सपायर होने में, तो अगर मैं इसे यूज़ नहीं भी करूँगी, क्योंकि मेरे पास अभी बेबी लिप्स का है तो ये काफ़ी लंबे समय तक चलेगा. ये चीज़ मुझे सबसे अच्छी लगी, सिर्फ 49 rupees में इतनी अच्छी वो इसकी वो दे रहे हैं, लाइफ ड्यूरेबिलिटी दे रहे हैं. और इसमें ना थोड़ा सा फ्रेग्रेंस है कॉफ़ी का, और आप देख सकते हैं ये डार्क चॉकलेटी ब्राउन शेड में बिल्कुल ऐसा ही है. और पर ये पिगमेंटेड नहीं है, मतलब 10% होगा, 90% ये पिगमेंटेड नहीं है. आप इसे इजीली लगा सकते हैं, पर ये अच्छे से आपके लिप को मॉइस्चराइज कर देता है. पर ये नहीं कहूँगी मैं कि पूरा दिन आपको हाइड्रेटेड रखेगा आपके लिप्स को, बट या, सो या इट डज इट जॉब्स. बट इसे 49 rupees का है तो बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी इससे, पर ये अच्छा है, आप ले सकते हैं. ऐसे ना पॉकेट फ्रेंडली है तो आप डाल के जा सकते हैं ऑफिस, कॉलेज, स्कूल, हर जगह, क्योंकि लिप्स सर्दियों में चैप्ड होते रहते हैं. काफ़ी अच्छा है, सो आप ट्राई कर सकते हैं इसे, तो डेफिनेटली गिव इट अ ट्राई. नेक्स्ट चीज़ जो मैंने उठाई थी ज़ूडियो से वो है दिस आई लाइनर. दिस इज द ज़ूडियो आई लाइनर एनरिच्ड विद आर्गन ऑयल, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, एंड इट इज़ इन द ग्रीन शेड एज यू ऑल कैन सी क्लियरली. इसकी एक्सपायरी भी बहुत दूर है, मतलब इसका मैन्युफैक्चरिंग है 07/2022 और इसका एक्सपायरी है 06/2024. 2024 के 6th महीना, तो बेसिकली जुलाई, जून जुलाई, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून में एक्सपायर होगा. कई लोग मुझे बहुत बुद्धू समझेंगे, अभी एकदम से क्लिक नहीं हुआ. ओके,
मेरे को पता नहीं कैसा है, मैंने ट्राई नहीं किया है ये, पर ठीक ही होगा। और इसका प्राइस है सिर्फ 80 रुपीज़, लाइक 79-80 भी नहीं। वो उनकी ना मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है कि 80 रुपये का, 79 बहुत ही सस्ता लगता है, 80 थोड़ा महंगा लगता है साउंड करने में। तो काफ़ी अच्छा है, तो आप ले सकते हैं। मतलब क्या ही जा रहा है, 1.5-2 साल चल जाएगा और 70-80 रुपये का ही तो है। सो व्हाट्सअप इतनी लेने, सो या तो बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा मेरे ब्लॉग में कि वहाँ पे बहुत ही अच्छी एक है ना जगह है, जहाँ पे अच्छी जगह है जहाँ पे वहाँ पे परफ्यूम्स और ड्यूस रखे रहते हैं, डिफरेंट वैरायटीज, डिफरेंट कैटेगरी, क्योंकि यूनिसेक्स भी थे और मेल और फीमेल के भी थे। तो आप ले सकते हैं वहाँ से। तो मैंने पिक किया है ये, मैंने क्या, मेरे दोस्त ने, इसमें लिखा हुआ है जूडियो वाइल्ड। इसका फ्रेग्रेंस काफ़ी स्ट्रांग है, लड़कों को जनरली पता नहीं क्यों स्ट्रांग परफ्यूम्स पसंद आते हैं, मुझे माइल्ड पसंद है थोड़े। और ये इसका भी एक्सपायरी बहुत देर में है यार, पर ये जल्दी ख़त्म हो जाएगा। ये सिर्फ 99 रुपीज़ का ही है, इस पर कोई सेल नहीं थी और ये मिला भी 99 रुपीज़ का ही है। इसे सस्ता तो खैर लेंगे भी क्या ही। और ये है 08204, मतलब 24 में, अगस्त के महीने में एक्सपायर होगा, तो ले सकते हैं। 100 ग्राम वो क्वान्टिटी मिलती है। फ्रेग्रेंस इज़ वेरी नाइस। अगर आपने कभी किसी ने पर का वेन्यू ट्राई किया, उसका चाहे परफ्यूम हो या डिओड्रेंट, अब मुझे ये नहीं पता कौन सा एडिशन, वो शायद ब्लैक सी बोतल में आता है एक, थोड़ा उसका सा महक है, इसका सिमिलर सा स्ट्रांग है, पर काफ़ी अच्छा है, तो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं। 100 रुपये में कुछ भी नहीं जा रहा, अगर जा रहा है तो फिर मत लेना, अच्छे से पसंद करके ले लेना, पर ठीक है आप ले सकते हैं। गिव इट अ ट्राई। फिजूल की चीज़ दिखाऊँ मैं आपको, जो अभी तक मेरे पास रखी हुई थी, ये फिजूल की नहीं है, इतना लंबा चौड़ा बिल। हमने उनसे पूछा क्या है इतना लंबा, भैया इतना कुछ तो नहीं खरीदा हमने, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, पैसे ही ना सब पता नहीं इंक वेस्ट कर रहे थे वो अपनी। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और आपने इंजॉय किया होगा। मेरा एक्सपीरियंस जूडियो का था आई वुड से 8/10, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिगिंग करनी पड़ी, इससे 2 नंबर काट लिए मैंने, पर मतलब अबव एवरेज एक्सपीरियंस था। तो आप डेफिनेटली जाके विजिट कर सकते हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें मैंने पिक करी। पर हाँ, बाद में तो जाना कम पैसे देख के कि कम पैसे में मिल रहा है तो खरीद लिया, अच्छी चीज़ें ही उठाना जो सच में आपके काम है। सो या, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बी सेफ, बी पॉजिटिव एंड डू नॉट फॉरगेट द राइट, लव यू ऑल सो मच, सरंगी बाय।